Welcome back to BBVN online classes. In last video we read about for loop. The next loop is the while loop. While loop को start करने से पहले कुछ discussion करते हैं अपन कि जो जो अपन ने प्रोग्राम से यहाँ पे सीखे उनको अपन practically कैसे करें। एंड कुछ एक प्रोग्राम आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फॉर लूप है जो मैंने आपको लास्ट में बताया, इसको अपन प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए वन बाय वन अपन एक एक प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं। इसमें फर्स्ट दे रखा है, वो अपन को क्या दे रखा है, एक यहाँ पे अपन को एक लिस्ट दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट लेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। इसको अपन प्रैक्टिकली करते हैं। तो देखिए यहाँ पर न्यू फाइल बनानी है अपन को, न्यू फाइल में जाते हैं और यहाँ पर जैसा आपको दे रखा है वैसा अपन को करना है। तो सबसे पहले फोर, ये फोर, देन यहाँ पर अपन को क्या बनानी है कि लिस्ट बनानी है वन, देन नेक्स्ट अपना क्या फोर और सेवन, देन वन फोर सेवन। ओके, यहाँ पर देखिए फोर के बाद में जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंडेंटेशन लेवल अपने आप ही आ गया है। कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर इंडेंटेशन लेवल है वो अपने आप आ जाता है, ये आपको इंडिकेट करता है कि अब जो भी लिखेंगे आप अब कहाँ लिखेंगे, फोर की बॉडी के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट अपन को क्या लिखना है, प्रिंट करना है ए और ए इंटू ए को। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट यहाँ पे ए और नेक्स्ट मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट ए इंटू ए, ओके सॉरी ए इंटू ए। इसको अपन क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए इसको अपन सेव कर देते हैं सबसे पहले, सेव करने के लिए वही और देन यहाँ पे मैं कोई भी फाइल नेम देके सेव करता हूँ। देन इसको जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आंसर क्या रहा है, वन वन फोर देन सिक्सटीन सेवन और 49 हो क्या रहा है। अगर अपन देखें तो सबसे पहले वन है, वन प्रिंट हो गया और वन इंटू वन इट मीन्स वन ही प्रिंट होगा। नेक्स्ट वैल्यू अपनी क्या रहेगी, फोर, तो फोर प्रिंट होगी और देन फोर इंटू फोर, यहाँ पे फोर और 16। नेक्स्ट आपका क्या है, सेवन, एंड सेवन प्रिंट होगा और सेवन इंटू सेवन कितना होगा, 49। ऐसे अगर अपन देखते हैं तो ये अपना नेक्स्ट प्रोग्राम ये, इसको भी अपन करते हैं। तो देखिए मैं इसमें ही कुछ चेंजेस कर देता हूँ। सबसे पहले फोर, देन सी एच यहाँ पे क्या है, लूप वेरिएबल, एंड मैंने यहाँ पे लिखा सी एच इन और नेक्स्ट अपनी क्या है, एक स्ट्रिंग, ये अपनी स्ट्रिंग अपन ने लिखी और देन अपना कोलन साइन। अब अपन क्या कर रहे हैं, वन बाई वन अपने जो हर एक कैरेक्टर को अपन को प्रिंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सी एच, इसको अपन सेव करते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो जो आंसर अपन को मिल रहा है वो देखिए CALM, वन बाई वन ये इंडिविजुअल कैरेक्टर को लेगा और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा सी एच को। तो सबसे पहले सी एच के पास क्या आया, सी, देन नेक्स्ट ए और देन एल और नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे एम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अपन ने टेबल प्रिंट की है तो वो भी अपन देखते हैं। देन सबसे पहले नम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए जो टेबल प्रिंट की है वो अपन ने फाइव की टेबल प्रिंट की है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइव। नेक्स्ट अपन ने क्या किया है, नेक्स्ट बोल फोर, अब फोर के अंदर अपन को क्या करना है, एक रेंज बनानी है, रेंज अपनी 1 to 11 इट मीन्स रेंज जो बनेगी 1 to 10 बनेगी, अपर लिमिट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए इन रेंज और यहाँ पे आ जाएगा 1 in 11। नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपन को स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो लिखना है अपन को। देन प्रिंट कैसे कर रहे हैं अपन, प्रिंट यहाँ पे अपन करेंगे प्रिंट, सबसे पहले प्रिंट, देन यहाँ पे आ गया नम। नेक्स्ट यहाँ पे अपन को इनटू का साइन प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे दी है एक्स को सिंगल कोटेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, ए प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और नेक्स्ट अपन को क्या करना है, एक इक्वल साइन प्रिंट करना है। तो जब इक्वल साइन प्रिंट करना है तो आप उसको सिंगल कोटेशन में देंगे और नेक्स्ट अपन को क्या करना है, नम इनटू और यहाँ पे अपन कर देते हैं ए, ओके। तो क्या होगा, सबसे पहले नम की वैल्यू, तो नम के पास क्या है, फाइव सबसे पहले, देन ये मल्टीप्लीकेशन साइन प्रिंट होगा। नेक्स्ट आपका ए की वैल्यू, ए की वैल्यू सबसे पहले कितनी रहेगी, वन रहेगी, इट मीन्स फाइव इंटू वन इक्वल, एंड फाइव इंटू वन क्या होता है, फाइव होता है। तो देखिए ये अपन सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आउटपुट, ये जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 into 1 = 5, 5 into 2 into 10, तो ये कंप्लीट आपकी जो टेबल है वो प्रिंट यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखिए नेक्स्ट अपना आता है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 7।
वन टू सेवन के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है इनका अपन को एडिशन करना है, सम करना है, तो सबसे पहले सम के अंदर जीरो और देन रेंज अपन को बनानी है वन टू एट बनानी है। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा सम इज इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट अपन को रेंज बनाते हैं देन फोर। यहाँ पे लूप वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एन दिया गया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, मैं आप एन लिख लेता हूँ। देन रेंज अपनी क्या है, रेंज वन टू सेवन है, देन अपन क्या करेंगे वन टू सेवन के बीच का है तो वन टू एट अपन रेंज बनाएंगे। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, यहाँ पे कोलन साइन, देन फॉर लूप के अंदर अपन को क्या करना है, देखिए ये प्रोसेस फॉर लूप के अंदर है, सम प्लस इक्वल एन, तो मैंने यहाँ पर लिखा सम प्लस इक्वल और देन यहाँ पे क्या आएगा एन आएगा। नेक्स्ट अपन ने क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आउटपुट आ रहा है वो लास्ट में प्रिंट हो रहा है और ये आउटपुट का प्रिंट हो रहा है ये आपके फोर के बाद में, इट मीन्स फोर के अंदर नहीं है ये, इसका इंडेंटेशन लेवल एज फोर के सेम एज फोर जो आपका लूप है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। तो आप ये देखिए कि फोर का लूप चलेगा तब तक तो ये होगा, इतना काम होगा और नेक्स्ट क्या होगा, लूप खत्म होने के बाद आपका क्या होगा, ये स्टेटमेंट चलेगा। तो इसका इंडेंटेशन लेवल अपन को वापस लेना है, तो मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबाया देन प्रिंट और यहाँ पे कोई मैसेज है वो अपन प्रिंट कर देते हैं, मैसेज सम ऑफ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे लिखा सम ऑफ नेचुरल नंबर, ओके देन यहाँ पे क्या है लेस देन इक्वल, ये जो साइन अपन को देना है। नेक्स्ट अपन को क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे एन, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एन और नेक्स्ट अपन को एक मैसेज सॉरी एक स्ट्रिंग प्रिंट करनी है इज और नेक्स्ट अपन को क्या करना है सम को प्रिंट करना है। तो सम जो टोटल नंबर अपना आएगा, तो मैंने ये लिखा इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख पा रहे हैं कि आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड सेवन इज 28। इट मीन्स वन टू सेवन ये क्या करेगा, यहाँ पे ऐड करेगा, इट मीन्स ये सम करेगा, बार बार ये सम चलेगा जब तक कि आपका ये लूप चलेगा, यानी ये कंप्लीट आपका चलेगा कहाँ से कहाँ तक, वन टू सेवन तक, ओके। जैसे आपका क्या होगा एन के पास एट आएगा, ये रेंज खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और देन आपका प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा, तो जो सम के अंदर जो वैल्यू होगी वो लास्ट के अंदर प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका सम। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं वो करते हैं व्हाइल लूप की। ए व्हाइल लूप इज ए कंडीशनल लूप दैट विल रिपीट द इंस्ट्रक्शन विद इन इटसेल्फ एज लॉन्ग एज ए कंडीशनल कंडीशन रिमेंस ट्रू। यहाँ पे ये कंडीशन होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करें कि व्हाइल लूप क्या है, कंडीशन या अपन कह सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल लूप है कि जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होती है देन क्या होगा आपका लूप टर्मिनेट होगा। इट मीन्स ये किस पे काम करता है, कंडीशन पे काम करता है। जैसे फोर क्या करता है, फोर के अंदर अपन को पता है कि आपको ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, पर अगर अपन बात करें कि जहाँ पे अपन को ये नहीं पता है कि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, आप किसी ओनली कंडीशन के बेस पे इस लूप को चलाना चाहते हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, व्हाइल लूप कहते हैं। व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले अपन लिखेंगे व्हाइल देन यहाँ पे कोई भी कंडीशन आएगी, जो भी लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है और देन आपका लूप कोडिंग और ये आपका क्या है इंडेंटेशन लेवल है, इतना आपका इंडेंटेशन लेवल हो गया। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल अपन ने ले रखे हैं जिसमें दे रखा है ए इक्वल टू फाइव, सबसे पहले ए इक्वल टू फाइव है देन वाइल, वाइल के बाद में देखिए कंडीशन ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि ए इक्वल टू फाइव है, इट मीन्स ये कंडीशन फर्स्ट टाइम ये ट्रू हो रही है, ट्रू हो रही है तो प्रिंट क्या हो रहा है, हेलो और देन ए, ए की वैल्यू क्या है अपने पास फाइव, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया हेलो फाइव। नेक्स्ट क्या हो रहा है उसके बाद में, देखिए ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे क्योंकि ये लूप के अंदर है, ये चलेगा कब, जब लूप कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स लूप जैसे टर्मिनेट होगा देन लास्ट आपका ये स्टेटमेंट चलेगा। तो पहले अगर अपन देखते हैं तो ये आपका क्या चल रहा है, ये हेलो और देन यहाँ पे फाइव प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ए इज इक्वल टू ए माइनस थ्री, ए की वैल्यू कितनी है फाइव, तो फाइव और माइनस कितना होगा थ्री, तो कितना हो जाएगा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी टू। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, दोबारा कंडीशन चेक होगी ये दोनों स्टेटमेंट चलने के बाद, अभी भी क्या हो रहा है ए ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू क्या अपने पास इस बार टू है पर ग्रेटर देन जीरो तो है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट हो रहा है हेलो और देन ए की वैल्यू कितनी है टू, तो हेलो टू। नेक्स्ट क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए माइनस थ्री, तो पहले से ए की वैल्यू टू है माइनस और आप क्या कर रहे हैं थ्री कर रहे हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन आया यहाँ पे, माइनस वन आया देन उसके बाद में क्या होगा, अगेन कंडीशन चेक होगी। अब ये कंडीशन चेक होगी तो ए ग्रेटर देन जीरो है क्या,
भाई ए माइनस वन है तो ग्रेटर देन जीरो नहीं है इस बार, नहीं है तो ये लूप जो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये लूप यहाँ तक अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही टर्मिनेट होता है उसके बाद में ये आपका चलेगा स्टेटमेंट लूप ओवर। तो देख पा रहे हैं आप कि ये कंडीशन के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है वो आता है एन इजिकल टू वन। तो देखिए एन इजिकल टू वन है वेयर एन लेस देन फाइव। एन लेस देन फाइव है क्या भैया, कंडीशन फर्स्ट टाइम पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, वन है। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट क्या हो रहा है, स्क्वायर ऑफ एक मैसेज है, अपन कह सकते हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। उसके बाद में एन, एन की वैल्यू क्या है, सबसे पहले वन जो यहाँ पे दे रखी है। देन क्या प्रिंट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ, ये तो पहले प्रिंट हो गया, फिर एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, वन। इज आपका प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एन इंटू एन मतलब वन इंटू वन, तो ये हो गया आपका प्रिंट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखिए ये स्टेटमेंट चलेगा तो ये नेक्स्ट वाला भी चलेगा। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, एन प्लस इक्वल वन, एन में वन ऐड कर दो तो इस बार एन की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे टू हो गई, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। तो अगेन कंडीशन चेक हो रही है, एन लेस देन टू है क्या भैया, सॉरी एन लेस देन फाइव है क्या, तो एन की वैल्यू टू है तो लेस देन फाइव है, इट मीन्स कंडीशन तो अभी भी ट्रू है। ट्रू है तो इस बार अगेन ये प्रिंट होगा। प्रिंट क्या होगा, स्क्वायर ऑफ, प्रिंट हो गया स्क्वायर ऑफ। नेक्स्ट एन की वैल्यू कितनी है अपने पास, टू, तो प्रिंट हो गया टू। इज एन इंटू एन तो इज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर, टू इंटू टू फोर। नेक्स्ट आपका क्या होगा, एन प्लस इक्वल वन, एन की वैल्यू इस बार कितनी होगी, थ्री होगी। अगेन क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, एन लेस देन फाइव है क्या, बिल्कुल है क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है, थ्री। अगेन प्रिंट होगा क्या, स्क्वायर ऑफ एन बोले तो थ्री, और देन इज एन इंटू एन इज नाइन, एन इंटू एन नाइन। नेक्स्ट क्या होगा, एन प्लस इक्वल वन होगा, देन अगेन क्या हो जाएगा, फोर, फोर हो जाएगा। देन क्या होगा, अगेन यहाँ पे कंडीशन टू होगी क्योंकि लेस देन फाइव होता है फोर। अगेन यहाँ पे प्रिंट होगा स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ एन, एन इज इक्वल टू फोर इज, और देन फोर इंटू फोर सिक्सटीन। नेक्स्ट क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वन इंक्रीज हो जाएगी और एन की वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाती है फाइव। जैसे एन की वैल्यू फाइव होती है इस बार कंडीशन क्या होगी, एन लेस देन फाइव, फाइव लेस देन फाइव, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी इस बार। क्यों जाएगी, क्योंकि फाइव फाइव से लेस देन नहीं होता, तो इस बार कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इट मीन्स लूप कितनी टाइम चला, वन टू थ्री और फोर टाइम, फोर टाइम आपके फोर स्टेटमेंट आपके प्रिंट हो चुके। इस बार ये लूप क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, तो लूप टर्मिनेट हो गया इसका मतलब लूप कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपका ये स्टेटमेंट चलेगा क्योंकि इसका इंडेंटेशन लेवल क्या है, सेम नहीं है आपके जो लूपिंग स्टेटमेंट है या लूप बॉडी से बाहर है, ये बाहर है तो उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है, थैंक यू, जो आपका यहाँ पे लास्ट में प्रिंट होगा। तो ये आपका व्हाइल लूप। ओके नेक्स्ट आता है वो आता है एनाटॉमी ऑफ व्हाइल लूप, कि क्या क्या आपके एनाटॉमी है, क्या क्या आपके पार्ट्स हैं व्हाइल लूप के, जिसके बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट आता है वो आता है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। देखिए फर्स्ट इज, व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, प्रोवाइड इनिशियल वैल्यू टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को आप इनिशियल वैल्यू देते हैं देन उसे अपन क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले मैंने ये एक लूप वेरिएबल लिया है, इसको एज टू फाइव दिया, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम यहाँ पे था, एन इजिकल टू वन मैंने दिया, देन ये भी क्या है, इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे दे रखा है इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, बिफोर एंटरिंग इन ए व्हाइल लूप इट्स लूप वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। लूप वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करेंगे जैसा कि अपन फोर में नहीं करते थे। द इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल टेक प्लेस अंडर द इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। तो अभी अपनी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन क्या होगी, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वही अपनी क्या होगी, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होगी। ओके तो यहां पे आप देख पा रहे हैं जो फर्स्ट आपका है वो क्या, इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। यहां पे भी फर्स्ट क्या है, लूप वेरिएबल को अपन इनिशियलाइज किया है, देन ये भी इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट आता हुआ था टेस्ट एक्सप्रेशन, इट मीन्स कंडीशन। द टेस्ट एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन हूज ट्रूथ वैल्यू डिसाइड्स वेदर द लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। कि आपके जो टेस्ट एक्सप्रेशन है वो चेक करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपकी लूप बॉडी चलेगी या नहीं, एग्जीक्यूट होगी या नहीं। इट मीन्स कंडीशन ट्रू होगी देन तो आपकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर आपकी टेस्ट एक्सप्रेशन है वो ट्रू होती है, द लूप
बॉडी गेट्स एग्जीक्यूटेड, लूप बॉडी चलेगी, एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज लूप इज टर्मिनेटेड। अदरवाइज क्या होगा, लूप टर्मिनेट होगा, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में बताया। देन बॉडी ऑफ द लूप स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लूप। लूप बॉडी क्या है, देखिए लूप बॉडी यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो सेम इंडेंटेशन लेवल के ऊपर जितने भी स्टेटमेंट है ये आपकी लूप बॉडी है। इधर अगर अपन बात करें तो ये भी आपकी क्या है, लूप बॉडी है। इसका मीनिंग क्या है कि भी जितने सारे स्टेटमेंट एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो आपके एग्जीक्यूट होंगे, देन वो क्या है, लूप बॉडी। नेक्स्ट आता है वो आता है आपका अपडेट एक्सप्रेशन, अगर कोई है तो। यहाँ पे ये मस्ट नहीं है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, द अपडेट एक्सप्रेशन चेंज द वैल्यू ऑफ द लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं अपन, अपडेट एक्सप्रेशन। द अपडेशन अपडेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की बॉडी के अंदर आपको अपडेट एक्सप्रेशन मिलेगा। तो देखिए अगर अपन बात करें तो यहाँ पर लूप वेरिएबल अपना क्या था, ए इज इक्वल टू 5। यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन, यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एन की वैल्यू चेंज हो रही है। तो एन भी यहाँ पे क्या है, लूप वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों ही बोथ आर द अपडेट एक्सप्रेशन, जहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर लूप वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होएगी, तो वो क्या होता है आपका अपडेट एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो ये आपके एनाटॉमी ऑफ व्हाइल लूप। अगर अपन प्रोग्राम को अगर अपन करते हैं तो देखिए इस प्रोग्राम को अपन प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले तो अपन फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले अपन ने क्या करना है, ए इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए इक्वल टू 5। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, लूप स्टार्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल, कंडीशन अपनी क्या कहती है, ए ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए ग्रेटर देन 0। अब देखिए जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो आप आगे अगेन किस में आ रहे हैं, इंडेंटेशन लेवल के अंदर आ रहे हैं, आपका इंडेंटेशन लेवल चेंज हो रहा है। यहाँ पे अपन को टू स्टेटमेंट लिखने हैं, प्रिंट हेलो ए और देन एज ग्लू ए माइनस 3। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो मैसेज है, ये अपन कह सकते हैं आपके स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है उसके बाद में ए मैंने प्रिंट कर दिया। ये देखिए ए स्मॉल है क्योंकि ऊपर भी स्मॉल है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, अगेन अपना स्टेटमेंट है एज गुड ए माइनस 3। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज गुड ए माइनस 3। अब आपको ये का आपका कंप्लीट है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके आउटर जो इंडेंटेशन पॉइंट है उस पर जाना है, तो बैक स्पेस दबाएं और देन आपका नेक्स्ट मैसेज है वो आप लिखें। नेक्स्ट मैसेज क्या है, लूप ओवर। ओके, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लूप ओवर। अपन यहाँ पे सेव करते हैं इसको, अपन यहाँ पे लिखा लूप 1.0।